हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पिताज किचन। आज मैं आपके साथ KFC स्टाइल ड्राई चिकन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा चिकन आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इसके लिए हमने उन्हीं चीजों का यूज किया है जो आपको घर में आसानी से मिल जाए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 लेग पीसेस लिए हैं, उन्हें अच्छे से वॉश कर उसमें चाकू से कट लगा लिया है। इसमें सबसे पहले मैं एक नींबू का रस डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सॉल्ट लिया है। इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है। टू टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। इन्हें अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। इन्हें मिक्स करते टाइम कोशिश कीजिए कि जो कट्स लगे हैं उसमें अच्छे से इसका मसाला अंदर तक चला जाए। इसे मिक्स करके आपको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 4 या 5 घंटे भी इसे मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। उसके बाद हम ड्राई कोटिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है और उसके बाद 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपको कॉर्नफ्लोर नहीं मिलता है तो आप सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालना है, थोड़ा ऑरिगेनो डालना है, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना है और थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। इस ड्राई मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद एक एग लिया है, में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालिए, थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा जीरा पाउडर, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी मैरिनेट किए हुए पीसेस को हमें ड्राई मिक्सचर में अच्छे से कोट करना है। इस तरीके से आप इसे कोट कर लीजिए। सारे पीसेस को हम ऐसे ही कोट कर लेंगे। इसकी लास्ट ड्राई कोटिंग के लिए हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, इसे आप हाथों से क्रश कर लीजिए। उसके बाद कोट किए हुए पीसेस को एक वाले बैटर में पूरा डिप कर लीजिए और कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लीजिए। इसे कोट करने के लिए आप कॉर्नफ्लेक्स का यूज कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स का यूज कर सकते हैं या ओट्स का भी यूज कर सकते हैं। आज हम इसे 2 तरीके से बनाएंगे। इसी तरह से आपको इसे पूरा कवर करना है।
दो पीस हमने कॉर्नफ्लेक्स में कोट किए हैं और दो पीस हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर देखेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही इजी है। आप ब्रेड लीजिए, उसे मिक्सर में ग्राइंड कीजिए और हल्का सा गैस पर पैन में डालकर रोस्ट कर लीजिए। इसी तरह से हम इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गैस पर चढ़ा दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इन पीसेस को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पीसेस डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको एक साथ सारे पीसेस नहीं डालना है, थोड़ा गैप होना चाहिए ऑयल में। इन्हें आप बार बार मत पलटिए। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए उसके बाद ही इसे आप टर्न कीजिए। ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं, इसे अब हम टर्न कर देते हैं। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हमें बाकी के पीसेस भी फ्राई करना है। फ्राई करते समय आप गैस का फ्लेम फुल पर मत रखिए। अगर गैस का फ्लेम फुल पर होगा तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे फ्राई होने दीजिए। देखिए कितना अच्छा रेस्टोरेंट जैसा ड्राई चिकन हमने घर में कितनी आसानी से बना लिया। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।